हेलो फ्रेंड, दिस इज दिलीप हियर। आज के वीडियो में हम देखेंगे फॉर लूप। फॉर लूप के आज हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, आज मैं आपको फॉर लूप के बारे में फुल एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले ये समझ लीजिए फॉर लूप कहते किसे है। ठीक है, देखिए फॉर लूप किसे कहते हैं, जब कोई प्रोग्राम बार बार रिपीट होता है। ठीक है, जब कोई प्रोग्राम को हमको बार बार रिपीट करना है या किसी चीज़ को हमको बार बार रिपीट करना है, तो जो रिपीट करने की प्रोसेस होती है उसे ही हम फॉर लूप कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, फॉर लूप को हम यहाँ पर प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रोग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हैज इंक्लूड studio.h। ठीक है, जिसके बाद में हम यहाँ पर लिखते हैं इंट मैन। ये हमारे सिंटेक्स का पार्ट होता है। ठीक है, लिखा मैंने, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ आई। ठीक है, आई मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पे एक मैसेज दे दे रहा हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं हम प्रिंट वैल्यू। ठीक है, प्रिंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने एक मैसेज दे दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल सा फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या लिखना है, फॉर लिखना है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आई की वैल्यू मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आई की वैल्यू को मैं कहाँ तक ले जाना चाहता हूँ, तो मैं ले जाना चाहता हूँ 10 तक। ठीक है, आई की वैल्यू को मैं कहाँ तक ले जाना चाहता हूँ, मैं ले जाना चाहता हूँ आई की वैल्यू को 10 तक। अब आई की वैल्यू को 1 से 10 तक बढ़ाने के लिए हमको यहाँ पर आई प्लस प्लस करना होता है। ठीक है, इससे क्या होती है, आई की वैल्यू स्टेप बाई स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आना है और यहाँ पर हमको प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ लिखेंगे। प्रिंट एफ लिखने के बाद में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किस टाइप की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, हम यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आई को मैंने डिक्लेयर किया वो इंट में डिक्लेयर किया है, मतलब हम इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे परसेंट डी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे किसको प्रिंट करेंगे, आई को प्रिंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस जनरेट कर देता हूँ ताकि जो हमारे रिजल्ट आएगा वो स्पेस में आएगा। ठीक है, और लास्ट लास्ट में हम यहाँ पर रिटर्न जीरो लगा देते हैं। ठीक है, रिटर्न जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो आई की वैल्यू प्रिंट होगी हमारी 1 से 10 तक प्रिंट होगी। ठीक है, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं और यहाँ पे कंपाइल एंड रन पर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, हमारा प्रोग्राम कंपाइल और रन हो चुका है। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हो मैसेज आ चुका हमारा प्रिंट वैल्यू, और यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो चुकी है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, अगर आप चाहते हो यहाँ पर कि जो स्पेस आई वो और ज़्यादा आए, ठीक है, तो आप यहाँ पर स्पेस ज़्यादा जनरेट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, और आप चाहते हो कि जो लाइन आए ये प्रिंट वैल्यू, ठीक है, आप क्या चाहते हो, जो प्रिंट वैल्यू आया, ठीक है, प्रिंट वैल्यू आया इसका जस्ट डाउन में आए लाइन, ठीक है, तो आप यहाँ पर स्लैश एन का यूज़ करोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्लैश एन लगा दिया। ठीक है, और आप चाहते हो कि लाइन बाय लाइन आए पूरा सब कुछ, तो आप यहाँ पर भी स्लैश एन लगा दोगे। ठीक है, अब इसको मैं कंपाइल एंड रन करने के लिए एग्जीक्यूट पर आया और कंपाइल एंड रन पर प्रेस किया। ठीक है, जैसे मैंने किया तो यहाँ पर देखिए प्रिंट वैल्यू और 1 से 10 तक हमारे प्रिंट हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल सा अगर किसी नेम को प्रिंट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से मान लीजिए किसी भी नेम को 10 बार प्रिंट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बस उस नेम को लिख देना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं पुष्पत कंप्यूटर। ठीक है, पुष्पत कंप्यूटर। ठीक है, पुष्पत कंप्यूटर को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फटाफट। ठीक है, इस पे क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड वीडियो पूरी आपको मिलती है। ठीक है, पुष्पत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा पुष्पत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो न्यू न्यू लाइन में आएगा, तो हमने स्लैश एन लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, और आपको क्या करना है, इसको सिंपल सा कंपाइल एंड रन करना है एग्जीक्यूटिव पर जाकर। ठीक है, तो मैंने किया कंपाइल और रन, तो यहाँ पर देखिए हमारा 10 बार क्या प्रिंट हो चुका है, पुष्पत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। पुष्पत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ये हमारा 10 बार प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे वो सिंपल सा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा ये सिंपल सा प्रिंट हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब टेबल को प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, किसको प्रिंट करना चाहते हैं, टेबल को प्रिंट करना चाहते हैं, तो
इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो इंट है यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा एम नाम का। ठीक है, एन नाम का हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि टेबल तो हम प्रिंट करना चाहते हैं, पर कौन सी टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देंगे एक मैसेज इंटर, ठीक है, इंटर टेबल। ठीक है, हम यहाँ पर कौन सी टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, हमने एक मैसेज दिया। ठीक है, और जिसके बाद में हम यहाँ पर स्कैन एफ लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड, स्कैन एफ लगाया मैंने, और यहाँ पर मैं परसेंट डी लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एन का मैं इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, एन का मैं इनपुट ले रहा हूँ, इसलिए एन इंटी टाइप की वैल्यू है, इंटी टाइप की वैल्यू के लिए परसेंट डी का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एन का हमने इनपुट ले लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पे एक मैसेज छोड़ दे रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं हम प्रिंट टेबल। ठीक है, हमारी यहाँ पर टेबल क्या हो जाएगी, प्रिंट टेबल। ठीक है, टेबल हमारी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, और कहाँ पर होगी, न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं हम। ठीक है, टेबल जो प्रिंट हो जाएगी, हमारी टेबल प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पर लॉजिक सही साथ लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा। ठीक है, आई प्लस प्लस। अब आपको यहाँ पर चेंजेस करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ पर आके आपको परसेंट डी लगाना होता है। ठीक है, जिसके बाद में यहाँ पे कोमा लगा देना आप। ठीक है, और यहाँ पर हम आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक हमको आई की वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट करने के बाद अब यहाँ पर जो भी हम नंबर लेंगे इनपुट में, उसका इसमें इंटू कर देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी वैल्यू सिंपल सा टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेस दे रहा हूँ ताकि हमारा स्पेस आ जाए, और अब मैं कंपाइल और रन करूँगा। कंपाइल रन करने के लिए एग्जीक्यूट पे जाऊँगा, सिंपल सा कंपाइल रन पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने कंपाइल एंड रन पर क्लिक किया, तो यहाँ पे बोल रहा है इंटर टेबल। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 प्रेस किया, तो यहाँ पर देखिए प्रिंट टेबल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, ये हमारे यहाँ सिंपल सा 10 की टेबल प्रिंट हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अगर हमको अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ से थोड़ा सा स्पेस को हटा देते हैं। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि जो टेबल प्रिंट हो रही है वो हमारी सही हो रही है, पर वो न्यू लाइन में आना चाहिए हमारा। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट लाइन में आ रही थी, वो हमारी पूरा न्यू लाइन में आना चाहिए, और फिर एग्जीक्यूट पाकर कंपाइल एंड रन पाकर आपको क्लिक करना है सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं 20 की टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर प्रिंट टेबल, और यहाँ पर भाई 20 की टेबल प्रिंट हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, और हमने इसमें टेबल को प्रिंट किया, नेम को प्रिंट किया, और गिनती को प्रिंट किया फ्रेंड। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप अगर वीडियो पाना चाहते हो तो पुष्पत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।